SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर जिस राही पंजाब दा पानी हरियाणा नूं दिता जाना सी। साढ़े शहीद भाई बलविंदर सिंह जटाणा जिहे खाड़कू सिंघा कारण ही पंजाब दे पानियां नूं बचाउणा संभव हो सकिया, नहीं तो शायद हुण तक इन्हां माड़ी राजनीति करन वालियां ने पंजाब दी धरती नूं बंजर कर दिता हुंदा। SYL दे नाल ही कई होर गंभीर ते पक्ष दे मुद्दियां बारे सिद्धू मूसेवाला अपने गीत SYL च गा गया ते अज दी इस वीडियो राही भाई बलविंदर सिंह जटाणा दे बारे ही जाणांगे किवें उन्हां ने SYL दे काम नूं रोकिया सी, बेरहमी नाल उन्हां दे परिवार नूं शहीद कर दिता गया ते क्यों आखिर च उन्हां ने साइनाइड कैप्सूल खा के मौत नूं गले ला लिया सी। सो पूरी जानकारी लई जुड़े रहो वीडियो नाल। सति श्री अकाल जी, मेरा नाम है गगनदीप ते तुसीं देख रहे हो पंजाबी मूवीज़ अड्डा यूट्यूब चैनल। भाई बलविंदर सिंह जटाणा सिर्फ 25 सालों के सन जदों वह अपनी MA की पढ़ाई छड्ड सिख आजादी के संघर्ष में शामिल होने लई अपना परिवार छड्ड गए। 1987 तो 1991 तक वह अपने खेत्र में बहुत सरगर्म रहे ते पुलिस नाल उन्हां दा कई बार मुकाबला भी होया। भाई साहब का इन्ना सन्मान सी कि उन्हां दे खेत्र के रहण वाले होर धर्मां दे लोग भी सुरक्षा ते अपने होर मसलों नूं सुलझाउण लई उन्हां कोल आउंदे सी। पुलिस ने कई बार भाई साहब नूं आत्म समर्पण के लिए मजबूर करने लई उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं गिरफ्तार कर थाने ले जा के तशद्दुद हटाया, पर यह सब व्यर्थ सी। भाई साहब जी का पक्का इरादा सी अते उन्हां कदे हार नहीं मन्नी। सतलुज यमुना लिंक नहर का नींह पत्थर इंदिरा गांधी ने रखा सी ते बरनाला सरकार के दौरान इसका कम शुरू होया। 23 जुलाई 1990 सवेर के 10:30 बजे के करीब चंडीगढ़ के सैक्टर 26 स्थित SYL हैडक्वार्टर अधिकारी काम में लगे हुए थे। दूजी मंजिल ते एक कमरे च अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। इस मौके चार खाड़कू सिंह स्कूटर से दफ्तर पुजे जिसकी अगवाई भाई बलविंदर सिंह जटाणा और भाई चरणजीत सिंह चन्नी कर रही थी। दूजी मंजिल से पहुँच के जिवें ही वह मीटिंग रूम के नेड़े पहुंचे तो भोला प्रसाद ने उन्होंने रोक लिया। सिंघां दे हाथ विच सलेंसर वाला पिस्तौल वेख के सेवादार भोला प्रसाद घबरा गया और पिछे वल नूं भजदिया होया दूजी मंजिल तो हेठां छाल मार दी। सकिंटां विच ही सारे सिंह मीटिंग रूम विच दाखल होए अते SS सीकरी नूं गोली मार दित्ती ते निगरान इंजीनियर अवतार सिंह औलख की भी मौके ते ही मौत हो गई। सिंह अपने काम नूं अंजाम देण तों बाद स्कूटरां उपर सवार हो निकल गए। सरकार दी नींद उड़ गई अते हत्थां पैरां दी पै गई। SYL दा काम बंद हो गया। भाई साहब दे नाल इस काम नूं अंजाम देण वाले सिंह भाई जगदार सिंह तंजोला, भाई बलवीर सिंह फौजी मकरोड़ ते भाई हरमीत सिंह पाऊवाल ने साथ दित्ता सी। पुलिस भाई साहब नूं फड़न दी हर संभव कोशिश करती रही। उन्हां दे सिर ते इनाम भी रख दिता गया। इस दौरान उस समय के SSP सुमेद सैनी की कार नूं सिख खाड़कुआं दे वल्लों उड़ा दिता गया जिस विच सुमेद सैनी बुरी तरह फटड़ होया। उस नूं हस्पताल विच दाखल करवाया गया। पुलिस की मुखबरी करन वाले निहंग अजीत सिंह फुल्ला हस्पताल च सुमेद सैनी नूं मिलन पुज्जिया। काफ़ी देर लंबी गलबात चली। मीटिंग विच की चर्चा हुई यह तो पता नहीं, पर नतीजा उदों स्पष्ट हो गया जदों निहंग अजीत सिंह फुल ने पत्रकारां अगे यह ऐलान कर दिता कि सुमेद सैनी उत्ते हुए हमले का बदला लिया जाएगा। पुलिस ने जल्दी ही इस घटना लई भाई बलविंदर सिंह जटाणा जिम्मेवार ठहराया। 30 अगस्त 1991 की रात को निहंग अजीत सिंह फुल्ला स्थानक पुलिस नाल भाई जटाणा के घर पुजे। इस समय भाई जटाणा के चार परिवारक मैंबर मौजूद से। 80 सालों की दादी द्वारकी कौर जी, 40 सालों की मासी जसमेर कौर, 13 सालों की चचेरी भैन मनप्रीत कौर और 5 सालों का भतीजा सिमरनजीत सिंह। जदों पुलिस घर में दाखिल हुई तो चारे मैंबर सुते पाए थे। बिना कारण पुलिस ने सारे ते गोली चला दी और सुते पियां नूं ही शहीद कर दिता। अगले दिन पुलिस ने एक टीम को जांच करने लिए भेजा कि स्थानक पिंड वासियों को दोषियों बारे कुछ पता सी कि नहीं। एक मैंबर ने एक स्थानक पिंड वासी तो पूछा किन्ने मारे गए। पिंड वाले ने जवाब दिता 4। मैंबर ने हैरान होकर कहा 5 होने चाहिए सी। पिंड वासी इस बयान के पिछे का भाव तो नहीं समझ सके, पर बाद विच पिंड दे होर लोगों वल्लों यह खुलासा किया गया कि कुछ पुलिस वाले पिंड विच यह पता करन आए सी कि भाई जटाणा के घर विचों किन्ने परिवारक मैंबर मौजूद सी तां जो एक कतल दस्ता भेजा जा सके। रात को जदों पुलिस आई तो घर विच 5 व्यक्ति सी। उस समय चल रहे माड़े समय करके परिवार के कुछ मैंबरों किते होर सवा दिता जाता सी तां जो किसी माड़ी घटना च परिवार के सारे जीयां नाल माड़ा भाणा ना वरत जाए, जिस कारण भाई साहब का भतीजा हरप्रीत सिंह गुआंढी के घर सो गया और इस तरह मौत तो बच गया। इस कतलकांड तो बाद भी पुलिस भाई साहब नूं फड़न च कामयाब ना हो सकी तो भाई साहब के सिर ते इनाम रख दिता गया। जदों भाई साहब नूं परिवारक मैंबरां की मौत बारे पता लगा तो वह शांत रहे ते बोले इन्हां दी साजिश सानू आजादी दे राह तो भटकाउण दी है। वह साढ़े परिवारों नूं मारदे हन अते बदले विच साढ़े तो निर्दोष हिंदू लोगों नूं मारन की उम्मीद रखते हैं। सिख गुस्से विच किसी नूं नहीं मारदे। असीं पुलिस दीआं कारवाइयां दा सहारा लैके अंदोलन नूं नुकसान नहीं पहुँचावांगे।
पुलिस ने दिन रात भाई साहब की भाल में लाए रखा। एक दिन में कई थावां ते छापेमारी करना पुलिस का आम रूटीन बन गया सी। अंत विच भाई साहब के समूह विचों किसी ने भाई साहब नूं धोखा दिता अते पुलिस नूं उन्हां दा ठिकाणा दस दिता। जदों पुलिस ने भाई साहब नूं घेर लिया तां साथी भाई चरणजीत सिंह भी उन्हां दे नाल सी। उस समय दोवां कोल असला बहुत घट सी, इसलिए उन्होंने पुलिस हथ लगन नालों साइनाइड कैप्सूल खा के अपनी जीवन लीला समाप्त करन दा फैसला कीता ते इस तरह उन्होंने मौत नूं गल ला लिया। बेकसूर लोगों नूं मारन वाले पुलिस वालियां खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। निहंग अजीत सिंह फूले वर्गे कई वड्डियां रकमां नाल नवाजिया गया। इस तरह भाई बलविंदर सिंह जटाणा ने पंजाब के पाणियों नूं SYL राही हरियाणा नूं दित्ते जाण तों रोकिया ते सिख कौम लई अपना परिवार वरन मगरों भी उन्हां दा मन नहीं डोलिया ते सिख कौम ते उसकी आजादी लई लगे रहे। सो इसी दोस्तों भाई बलविंदर सिंह जटाणा के बारे जानकारी। मिलते हैं जल्दी ही किसी होर नवी जानकारी दे नाल। उदों तक जुड़े रहो चैनल नाल। चैनल अपडेट्स लई पंजाबी मूवीज़ अड्डा यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो ते पहला नोटिफिकेशन लैण लई बैल आइकन ते प्रेस करो।